हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लावित यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 का जनवरी मंथ कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट मंथ में यानी जनवरी मंथ में, एंड क्या क्या बदलाव आने वाला है करियर के साइड से, आपके लव लाइफ के साइड से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या फिर क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा। ओवरऑल हम सब कुछ डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनी है यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड, द एम्परर का मतलब कि किंग ऑफ स्पेड्स। नेक्स्ट यहाँ पर है नाइन ऑफ हार्ट्स। ओके, वाओ, फाइव ऑफ डायमंड्स मतलब कि द हेरोफेंट का कार्ड है, एंड चैरियट का कार्ड आ गया है आपके लिए। बहुत सारे मेजर अर्कनास आ रहे हैं आपके लिए। ब्यूटिफुल, वाओ, टेन ऑफ डायमंड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ क्लब्स। बहुत ही ज़्यादा एक खुशी की बात है कि आपके सराउंडिंग्स में इस टाइम पर ट्रस्टवर्दी लोग रहेंगे। आप इस टाइम पर बहुत सारे लोगों के ऊपर ना भरोसा कर सकते हो, किसी के ऊपर भरोसा करके कुछ दायित्व दे सकते हो, या फिर किसी को भरोसा करके कुछ बातें शेयर भी कर सकते हो। लोग आपको इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा तरीके से मदद करते हुए दिख रहे हैं, एंड आपके चारों ओर बहुत सारे अच्छे लोग इस टाइम पर आपको मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के आँखों में इस टाइम पर आपको लॉयलिटी ऑनेस्टी नज़र आएगा, एंड ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपके मन में इसके दौरान ना हिम्मत एंड पावर दोनों ही जनरेट होती हुई दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, अर्थ साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस है, एंड इसके साथ फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस है। ओके, सो यही एनर्जीज दिख रहे हैं। तो जनवरी मंथ का जो स्टार्टिंग एनर्जी वाइब्स है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द एम्परर का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। आपके एक्सपीरियंस के बलबूते पर कुछ दायित्व, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइम पर आपके कंधों पर आने वाले हैं। यानी हो सकता है इस टाइम पर आपके एक्सपीरियंस को देखकर कोई आपको जॉब ऑफर कर दे, या फिर आपको कोई बिजनेस ऑफर कर दे, या फिर आपका आपको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए सोचे, या फिर हो सकता है इस टाइम पर कि आपको कुछ चीज़ें ना रखने के लिए दे। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर इस टाइम पर रहेगा, जिसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों का भरोसा, आस कहीं ना कहीं आपके ऊपर दिख रही है मुझे। वो किसी भी साइड से हो सकता है, बट बहुत सारे लोग इस टाइम पर आपके ऊपर एक आशा लगाते हुए दिख रहे हैं कि आप चाहो तो उस काम में सक्सेस ला सकते हो, या फिर आप चाहो तो उस काम को एकदम से फुलफिल कर सकते हो। तो ऐसे टाइप्स के कुछ एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। आपके फैमिली भी इस टाइम पर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, या फिर आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके कुछ दायित्व दे सकते हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं आप कामों को ना बहुत ज़्यादा शिद्दत से करने वाले हो, पिछले एक्सपीरियंस को काम में लगा कर, यानी कहाँ से आपको पहले लॉस फेस हुआ है, या फिर कहाँ से आपको घाटा नज़र आया है, उस सब चीज़ों को आप अच्छे से बारीकी से नोटिस करके, पिछले चीज़ों को विचार करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड जिसके दौरान आपका काम में आपको सक्सेस इस टाइम पर दिखाई देगी। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो सेवन ऑफ स्पेड्स हैं। ये कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स के कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन की ओर इंडिकेट कर रहा है। मुझे दिख रही है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, या फिर बहुत टाइम से फंसे हुए थे, तो ऐसे कुछ कामों से इस टाइम पर, या फिर ऐसे कुछ स्टॉक एनर्जी से आप इस टाइम पर निकलने वाले हो। ये मामला आपके घर से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी आपके फैमिली कुछ प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा था आपके लाइफ में, जो इस टाइम पर एंड होने वाला है, एंड अचानक से सडन वे में आपको ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको कोई मशवरा दे सकते हैं, या फिर आप खुद से अपने दिमाग से कुछ चीज़ें निकाल कर, यानी क्रिएटिव कुछ सोच कर उस प्रॉब्लम का हल ढूंढो। बट दिख रही है ओवरऑल आपके पास सॉल्यूशन आने वाला है किसी एक चीज़ का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, इस टाइम पर आपके मन भी आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर डिवाइन खुद आपको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मिड मंथ के साइड में मुझे दिख रही है कि नाइन ऑफ हार्ट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा।
इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ इनविटेशंस, कुछ गुड न्यूज़, कुछ गिफ्ट्स एंटर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऑफर, प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाला है। जो भी चीज़ इस टाइम पर आपको रिसीव होगा ना, वो ओवरफ्लो करने वाला है। यानी खुशी अगर आएगा तो दुगनी तरीके से आती हुई दिख रही है, जो खुशी को आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर इतना सारा चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करेगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ ओवरफ्लो करती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका गोल था, आपका एम्बिशन था, जो चीज़ इस टाइम पर आपको रिसीव होने वाला है। बहुत टाइम से आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, मुझे दिख रही है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये ऑफर हो सकता है, आपको बहुत अजीज़ है, एंड जिसकी वजह से इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज़ आती हुई दिख रही है डिवाइन ब्लेसिंग्स के दौरान। या फिर ये किसी के तरफ से प्रपोजल भी हो सकता है, लव प्रपोजल की बात कर रही हूँ। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे थे, वो इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, या फिर कोई भी ऑफर, कोई भी कन्फेशन आपको नहीं दे रहा था, तो इस टाइम पर उस इंसान की तरफ से कुछ ऐसा चीज़ें आपको सुनने को मिल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, एंड ये आपका गोल को हिट करने वाला है, यानी आपके टारगेट को हिट करने वाला है ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये इन्विटेशंस। सो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी मंथ के जो लास्ट का एनर्जी, यानी एंड ऑफ दिस मंथ, बहुत एक पावरफुल एनर्जी वाइब्स मिल रही हैं, जो कि शादी का। यानी अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे हो, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे दिख रही है कि आपके पास एक अच्छा रिश्ता आने वाला है, आपको एक अच्छा पर्सन का ठिकाना मिलने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। देखो मुझे दिख रही है इस टाइम पर आपके साथ किसी का दोस्ती बहुत पक्की एंड गहरा होने वाला है। मन से मन बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आ जाना मतलब पूरे रीडिंग में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो जाना, मतलब कि जनवरी मंथ में आप ब्लेस्ड दिख रहे हो जनवरी मंथ के लिए। एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, एग्जिस्टिंग को रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हार्मनी बनती हुई दिख रही है। पिछला कोई नोकझोंक या फिर आर्ग्यूमेंट्स को भुलाकर आप फिर से एक नया शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी एंटर करता हुआ दिख रहा है। अगर बात नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, तो बातचीत स्टार्ट होने वाला है। अगर मिलना झुलना नहीं हो रहा था, बंद था, तो यहाँ पर दिख रहे हैं आप दोनों मिलने वाले हो। सो कहीं ना कहीं एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है कि आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत बड़ा एक सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 of Diamonds हैं, जो कि आपकी फैमिली में खुशी आने की बात करता है, आपके फैमिली के अंदर कुछ सेलिब्रेशन की बात करता है, आपके फैमिली मेंबर्स की तबीयत अच्छा होने की बात करता है, साथ में आपका भी हीलिंग की बात करता है। तो ओवरऑल आपके फैमिली में इस टाइम पर एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है, वो चाहे खुशियाँ के तरफ से हो, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे आपके मटेरियलिस्टिक अबंडेंस हो। यहाँ पर ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को ही दर्शाया जा रहा है कि आपको इस टाइम पर आपके करियर के साइड से एक बिग सक्सेस मिलने वाला है, जिसके ही दौरान आप इस टाइम पर अपने फैमिली को ट्रीट दे सकते हो, कहीं पर घुमाने ले जा सकते हो, या फिर अपने फैमिली के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इस टाइम पर किसी का एंगेजमेंट तय भी हो सकता है, शादी फिक्स्ड हो सकता है, किसी का बर्थडे भी हो सकता है, बट ओवरऑल एक गेट टुगेदर, एक एंजॉयमेंट दिख रही है आपके फैमिली के अंदर, पॉजिटिव कार्य होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आपकी फैमिली में कुछ लोग ना आने वाले हैं, मतलब कि गेस्ट आने वाले हैं दिख रही हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए। प्लीज पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है द सन, वाओ देख सकते हो ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस टाइम पर आपको फ्री होकर जीना है, मतलब कि आपके मन में कोई भी नेगेटिव डार्क एनर्जीज को नहीं रखना है, चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचना है, जितना हो सके चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढना है। तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ आपका जो 19 तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
एंड नेक्स्ट है द हॉर्मिट, जो कि यहाँ पर भी आपको सन दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आपका जो रात का टाइम है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में भेजा गया था, एंड वो जर्नी आने वाले टाइम में जनवरी मंथ में खत्म होने वाला है, एंड एक न्यू जर्नी, एक न्यू सवेरा आपके लिए वेट कर रही है। आपको और ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा लॉस फील या फिर सैडनेस महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दो। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक एनलाइटमेंट, एक क्या बताओ, एक पैथ ओपन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस भी इस टाइम पर मिल सकता है। डिवाइन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं किसी चीज़ के द्वारा, मतलब कि कुछ नंबर्स दिखाकर या फिर कुछ साइन भेजकर। सो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कंसस रहना है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल अच्छी दिख रही है आपका जनवरी मंथ। सो थैंक यू जेमिनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।